हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड विद एंटरटेनमेंट में मैं आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बगैर किसी एप्लीकेशन के ज़रिए अपने ज़बान के तर्जमे को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी अल्फाज के मीनिंग को मालूम कर सकते हैं, वो भी बगैर एप्लीकेशन के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल एंड्रॉयड विद एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका शुक्रिया। तो जाते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जाना है किसी ब्राउज़र में, वो तो तकरीबन तमाम मोबाइल में होते हैं, तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपने नया टेबल सर्च कर लेना है, न्यू टेबल, और वहाँ पर गूगल में आ जाएगा। आगे यहाँ पर आपने एक सर्च कर लेना है गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर, तो ये आ गया। मैं इसे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड अब ये इस तरह ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी ज़बान को के मीनिंग, यानी किसी भी अल्फाज के मीनिंग को किसी भी ज़बान में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंग्लिश में ये देखें, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है लैंग्वेज, और इसे मैं उर्दू में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डक। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये गो के बटन पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पर लिख के यहाँ पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर ये देखें बतख का निशान आ गया। ये देखें फ्रेंड, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड, इस तरह आप किसी भी मतलब की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फाज को। तो मैं यहाँ पर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, ये तो इंग्लिश है, यहाँ पर और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना और इसे इस्तेमाल कर लेना, और इसे आसानी से आप मीनिंग को मालूम कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड, इसे किसी भी दोनों को किसी भी जबान में कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में, और ये चाइनीज़ वगैरह जो कुछ भी हैं ये सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से विदाउट एनी एप्लीकेशन। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।